ओह शिट, आई विल बी लेट अगेन, बट वेट। सो 45 सेकेंड्स फॉर ब्रशिंग, 1 मिनट फॉर ड्रेसिंग एंड 2 मिनट फॉर टी एंड लेक्चर ऑल इज 2 मिनट अवे, सो आई वुड बी रीचिंग क्लास ऑन टाइम। Okay class, settle up and please respond to your roll call. Aditya? Yes sir. Aman? Present sir. Anshul? अरे मैं तो बैठ लिया। चुप। क्या सही बोल रहे हैं? अशु तो चार दिन से लिखा नहीं यार। अच्छा सारी काम सेंड करता है। वो इतना पढ़ लिख के क्या कर लेगा? अपना भी तो सीन सेट होने वाला है। सही कह रहा है। पहले भी कंटिन्यू उसको देखा नहीं यार। मेन बात तो है, तू ये बता डीएस पढ़ा देगा ना? डीएस नहीं आता है। अंशुल कौन है? इलेक्ट्रिकल वाला? क्या इलेक्ट्रिकल? ज्यादा नहीं जानता क्योंकि जब देखा तो रूम पे रहता है वो और पढ़ता है। और भाई सबसे बुरी बात बताओ इसकी क्या लगती है, अगर हम भी मस्ती करेंगे ना तो हमें उल्टा डांटता है। जब देखो रूम पे रहना पढ़ना तो क्या ही जानता हूँ, तो ये तो बताइए फिर। तो ये मतलब मैं इसे छोड़, तू मेरे को डीएस लेकिन याद से पढ़ा दियो, मेरे लिए बहुत पढ़ना जरूरी है। चल भाई ठीक है, मैं तेरे को रात में पढ़ा दूंगा, अभी यार थोड़ा थका हुआ अभी आराम करता हूं। ठीक है, आज का दिन वैसे लंबा था। ठीक है फिर रात को मिलते हैं, पढ़ा दियो। जब देखो तो रूम पे रहता है, जब देखो रूम पे रहना पढ़ना। Oh, his room. कोचिंग के डीन से बात करनी है। वो एक्चुअली अभी बाहर गए, आप 5 मिनट रुक जाइए, वो आने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू। ये काम नहीं होता तुमसे, अब ये काम भी मैं ही करूं? सर आप टेंशन मत लो, ये हम सब बाल लेंगे। Okay, you can go now. Okay, ma'am. Good evening, sir. मैं सत्य हूँ। हाँ, बैठो। सर मुझे अंशुल के बारे में पूछना था।
कौन अंशुल? वही जो आपकी कोचिंग में पढ़ता है। मेरे कोचिंग में कोई अंशुल नहीं पढ़ता। लेकिन सर मैंने अपने दोस्तों से कंफर्म किया वो आपकी कोचिंग में पढ़ता है। मैंने बोला ना कोई नहीं पढ़ता यहाँ पे, जाओ यहाँ से जाओ। अंशुल का नाम मोमेंटो है भी नहीं है। हेलो हेलो नमस्ते आंटी जी। हाँ जी कौन? आंटी मैं सत्यम अंशुल का बैचमेट बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो। आंटी मुझे अंशुल के बारे में पूछना था। बेटा अंशुल का पिछले कुछ दिनों से कुछ पता नहीं है। हमने मेड इजी कोचिंग के डीन से भी बात की, उन्हें भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। पता नहीं कहाँ और कैसा होगा मेरा अंशुल, भगवान करे वो सही सलामत हो। आंटी आप टेंशन मत लो, मैं भी पता करने की कोशिश करता हूँ अपने दोस्तों से। क्या हुआ भाई, बहुत कुछ देख रहे हो भाई, हमारा ये क्लियर। लेकिन भाई वो तो बहुत टफ था, तुमने कैसे क्लियर कर लिया? भी करा है भाई, राव साहब से बात कर ले, वो सब सेट करा दे। राव साहब जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। ये मुझे भी UPS क्लियर करना है। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ? और मुझे कुछ आता भी नहीं है, पास करवा दो बस। अच्छा तेरे को पास भी होना है और पढ़ना भी नहीं है? नहीं। ऐसा कर शाम को कल कैनाल पे मिल, एक पेटी लेके आयो। जी राव साहब। हाँ चल निकल। ठीक है। रोकड़ा लाया? हाँ लाया हूँ ना। निकाल। एक मिनट। क्या हुआ? अच्छा ये बता अंशुल और बागी हुआ क्या हुआ? अच्छा तेरे को भी पता चल गया, लगता है तेरे को भी उठवाना पड़ेगा। जी यहाँ पर ही काट दूंगा मैं। ए, लगता मैं अकेला आया हूँ। क्या बोल रहा है? पीछे देख। हम आज मौजूद हैं मेड इजी कोचिंग सेंटर के डीन के ऑफिस के बाहर, और हमारे सूत्रों से हमें मालूम हुआ है कि इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बच्चे अगवा करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में इनका क्या कहना है। सर आपने ऐसा जुर्म क्यों किया? सर आपको जवाब देना है, इनका जवाब पढ़ना। मेड इजी के टीम से भी बात सर आपने ऐसा क्यों किया? सर बताइए सर।
कौन हो तुम? It's good to have you back, यार. मतलब seriously यार, तो वापस आ गया finally. यार सत्यम ने मेरी बहुत मदद की, उसने मुझे रेस्क्यू कराया, बट यार वो मुझे बहुत दिनों से दिखा नहीं यार. मैं उससे मिल नहीं पाया, काफी दिनों से नहीं मिला वैसे. यार मिले तो बताना है यार. हाँ श्योर, शाम को देखते हैं.